सो वेलकम बैक टू द व्लॉग। और आज राइड स्टार्ट हो गई हमारी चक्राता के लिए। एंड ऐसा कुछ लाइनअप लग रहा है, 5:30 का प्लान था, 6 बज चुके हैं निकलते हुए। सो एंजॉय द ब्यूटीफुल सनराइज। और अभी हम चल रहे हैं गाजियाबाद, राजनगर वाले हाईवे पे चल रहे हैं अभी, इस पर एलिवेटेड रोड पे। एंड मौसम थोड़ा ठंडा हो गया है, सो मज़ा आ रहा है, सनराइज बहुत ही प्यारा हो रहा है सीरियसली। तो भाई एज ऑलवेज ये जैन से गंजे पर रुके थे, अपना खाना पीना हो गया, ब्रेकफास्ट हो गया है। एंड कुछ ऐसी लग रही है अपनी रज्जो, अब रिटर्न ओवर भी मिले, कौन सी कितने की पड़ी है बताया जाएगा बाद में। एंड पर ग्रुप है अपना, जहाँ तक देखो वहीं तक अपनी बाइक खड़ी है आज। उम्मीद थी इतने बंदे आएंगे, उम्मीद थी इतने बंदे आएंगे। ये हमारे टिक्की व्लॉग्स। और ये जीटी का चल रहा है, जीटी का शो ऑफ चल रहा है, शो ऑफ। सुबह फाइनली हाईवे पहुंच गए हैं और बंदे फॉर्म में आ गए हैं एज यूजुअल, बट हम ऑलरेडी प्लान से बहुत ज़्यादा लेट चल रहे हैं। तो लेट्स सी कब तक पहुंचते हैं। सो अभी अराउंड 11:30 हो चुका है एंड अभी हम सहारनपुर हाईवे पे आए हैं। तो भी आज दिन ही ख़राब है, पता नहीं क्या है, डोंट नो, बट सुबह तो कुछ ना गड़बड़ हो रही है हमारे साथ में। वैसे पहले हम निकलने में डिले हो गया, चलो वो फिर भी देख सकते हैं। फिर टायर पंचर हो गया बाइक का एक, देन एक बंदा बाइक छोड़ा है पीछे अपना, और फिर उसके बाद हमारी जीटी है शुभम भाई वाली गाड़ी, वो भी क्रैश हो गया है थोड़ा सा। सो बेसिकली क्या है कि इसका राइट का फुट रेस्ट और आगे का मास्टर सिलेंडर दोनों फूट गए हैं, तो दोनों पर काम नहीं कर रहे हैं बेसिकली। तो जुगाड़ भाई थोड़ी सी करिए, रुक के दिखाता हूँ कहीं पे। सो भाई ये है बाइक, इसका ये लेवर टूट गया था, जुगाड़बाजी की हुई है, बट फिर भी मास्टर सिलेंडर पूरा नया रिफिल किया गया है, कुछ नहीं देख रहा था क्या हुआ है। एंड ये बैक की हालत है, ये हमारे भाई की हालत है, ये है वाइजर। चलो कोई नहीं, अब जो हो गया बढ़िया, चलो निकलते हैं अब, कोई नहीं। तो बस अब निकलते हैं यहाँ से, सहारनपुर क्रॉस करना है। फुल स्पीड तो नहीं होता, ये मान के चलो पैर मतलब ऊंचा चलाता है, बट कोई नहीं, ठीक है, अब एपेंडिंग हुई है ना, ठीक है, खत्म बात, चलो। तो फाइनली पहाड़ दिखने स्टार्ट हो गए हैं एंड वी आर वेरी वेरी लेट। तो लेट्स सी कब तक पहुँचते हैं, रूम वगैरह लेना है यार। तो फाइनली पहाड़ी रास्ता स्टार्ट हो गया है एंड थोड़ी ठंडी ठंडी हवा लगनी स्टार्ट हो गई है। एंड बार कमेंट करना भाई कि व्यू कैसा आ रहा है अभी, क्योंकि मैंने विंडशील्ड नया इंस्टॉल किया है। सो वेटिंग फॉर योर कमेंट्स एंड डिटेल वीडियो चाहिए भाई, इंस्टॉलेशन कैसे हुआ, क्या हुआ, कितने की पड़ी मुझे, वैसे तो खुद ही बताऊँगा मैं, कुछ टाइम वेट करो बस, उसका भी आएगा पूरा डिटेल वीडियो। प्यारा व्यू आ रहा है और रेस ट्रैक वाली फीलिंग आ रही है, देखो कैसे आ रहे सारे बंदे। लुक एट द व्यू ब्रो, बहुत ही प्यारा व्यू है सीरियसली। इधर सनसेट हो रहा है, बीच में छोटी सी रिवर जा रही है एक। फर्स्ट टाइम पहाड़ों पे कॉर्नरिंग करते हुए कैसा लग रहा है भाई? ये वाला सेक्शन कितना अच्छा लग रहा है, वहीं जाना है। अरे तुम लंच डाउन जाते, मजा आया था तुम्हें भाई। व्यूज तो ऐसे ऐसे आ रहे हैं तगड़े तगड़े। अभी एक मिनट आपको दिखाते हैं स्पोर्ट के बाद का व्यू ऐसा, ये देखो भाई साहब। ओके एक ब्रिज भी आ गया, एक चक्राता इज ऑल्सो वेरी गुड प्लेस यार। तो अभी थोड़ा हो गया अंधेरा एंड टाइम हो गया है 6:30 एंड अभी अराउंड में लग जाएगी 15-20 मिनट और। सो भाई ऐसा कुछ है व्यू सुबह का चक्राता के अपने होटल का, एंड ये कुछ इस तरह से लिया था हमने पर बेड शेयरिंग के हिसाब से, मैं सुमित भाई, नया नया गोपुर लिया भाई ने। और ये अभी हम हैं और सुबह के 7:30 का टाइम हुआ है, कल गंदे थक गए थे, बहुत ड्रामे हुए थे, हम पहुँचे भी लेट थे, तो कल तक वो शूट भी नहीं किया। एंड यहाँ से आई थिंक मोहिला टॉप पास में है, तो मोहिला टॉप पहले जाएंगे। तो भाई यहाँ पे सनराइज़ स्टार्ट हो रहा है, छोटा सा सनराइज़ हो रहा है, ये ब्रेकफास्ट स्टार्ट हो चुका है लोगों का। यहाँ पे लगा हुआ iPhone 14 Pro Max। क्या चल रहा है भाई, पराठे
आलू प्याज के। का तो भैया बस निकलने का प्लान बन रहा है यहाँ से, ऑलमोस्ट सब बंदे रेडी हैं एंड अभी निकलने का प्लान है माइला टॉप एंड जो जो प्लान अभी देखते हैं। तो मुझे कुछ नहीं पता है क्या घूमने के जाएंगे क्या नहीं है, सो लेट्स सी। एंड चाहिए बहुत ही प्यारा व्यू आ रहा है वैली के अंदर है हमें एक तरह से, बहुत ही क्लियर वेदर नेक्स्ट लेवल। तो भाई इस तरह से हमारी बाइक्स खड़ी हैं सारी लाइन अप देखो, एंड ऐसा कुछ था अपना स्टे, ये स्टे लिया हुआ था हमने। अच्छा कुछ तो भाई दिस इज द व्यू एंड सब खड़े हैं लाइन से एंड ये रास्ता है मोइला टॉप के लिए, बहुत ही छोटा रास्ता है। यहाँ चल रहा है फोटोशूट सबके, डिफरेंट डिफरेंट एंगल, डिफरेंट डिफरेंट शॉट्स। एक भाई हमारा यहाँ पे शॉट लेने गया था, वो कहाँ चला गया पता नहीं, लेट्स सी नीचे तो नहीं भाग गया भाई। यहाँ तो कोई नहीं दिख रहा मुझे, नहीं वो उधर ही है, इस रास्ते में जाना है अभी हमें। सो भाई दिस इज लोकेशन एंड यहाँ से ट्रैकिंग स्टार्ट होती है पीछे से मोइला टॉप के लिए। बाइक पार्क कर दी गई है सारी, कुछ इधर हैं अपने सामने लास्ट में खड़ी हुई है। सो भाई ऐसा कुछ ट्रैक है, दलाई हिल वाली फीलिंग आ रही है। तो भाई ये है कुछ इस तरह का ट्रैक। सुनिकेत भैया जी कैसा लग रहा है? ये बिल्कुल एकदम अलग ही ट्रैक है भाई, नेक्स्ट लेवल है। तो ये एकदम खड़ा हुआ ट्रैक है, आप देख सकते हैं बिल्कुल स्टीप है, तो ज्यादा खड़ा ट्रैक है। अरे केदारनाथ हो गया था ये भी हो ही है। अरे भाई वो प्लेन तो एटलीस्ट ये पूरा निचोड़ के ही मानेगा, ये नहीं छोड़ने वाला ट्रैक। ओ भाई खतरनाक। डाइट रिकमेंडेड ये है, इसमें जल्दी ना करें, जल्दबाजी से चढ़ेंगे तो और थक जाएंगे। अच्छा जी वो बताइए, इजीली ट्रैक करें। ओके मैं अपने ट्रैक के एक्सपीरियंसेस ऐसे शेयर करता हूँ। कितना एक्सपीरियंस है आपको? मेरा यूट्यूब में चैनल है जिसका अभी नाम नहीं रखा है, जिसका अभी कुछ बना नहीं है लेकिन चैनल है। हाय भाई महंगा भाई कितना ट्रैक हो गया अभी तक? भाई 2.5 किलोमीटर चल गए, थोड़ा थोड़ा रहा सॉरी 250 मीटर 250 मीटर 250 मीटर चले अभी मुश्किल से भाई, अभी वहाँ से स्टार्ट किया है और यहाँ आए हैं। क्या करो बंदों का, मैं तो फिट हूं भाई, देख लो। तो भाई उनमें आधा ट्रैक हो गया है, बहुत ही गंदी बैंड बज रही है। वो कितना खड़ाई चढ़ाई है इसकी बिल्कुल ही, ना तो कुछ व्यू है ना की चढ़ाई कुछ इस तरह से है। थोड़ा टाइम की शॉर्टेज है ना, तो टाइम से कंप्लीट करना ट्रैक, तो इसलिए रुक नहीं रहे ज़्यादा, इसलिए थकान ज़्यादा हो रही है। दैट्स द मेन रीज़न, मैंने ट्रैक तो बहुत किया है बट यहाँ रुकने का मन कर रहा है, रुक नहीं सकते, टाइम से वापस आना है। कुछ ऐसा ट्रैक है भाई, बंदे दिख भी नहीं रहे, इतनी कड़ी चढ़ाई है। तो बहुत ही डिफरेंट काइंड ऑफ लुक है ये, आज तक कहीं नहीं देखा हमने, टॉप्स ऐसे कहीं नहीं होते, बहुत ही ग्रीन है। तो अभी वहाँ चलते हैं, सामने एक मंदिर है छोटा सा। सो दिस इज़ द व्यू, सामने एक मंदिर है अपना, अभी जाएंगे मंदिर के पास भी क्या है। एंड बहुत ही प्यारा लग रहा है, तो ये डिफरेंट ही थिंग है जो आज तक कहीं नहीं देखी है भाई, एक नंबर है भाई, इस तरह की चीज़ कहीं नहीं देखी, मतलब मस्त भी है, मस्त अलग लग रहा है। और रोहन भाई हमारे बहुत ही खुश, बहुत खुश है यार, मज़ा आ गया ये चीज़ देख के ना। उधर देख भाई, उधर देख रहे हैं सामने पूरा पहाड़ी रेंज दिख रहा है, मज़ा आ गया। ये देखो भाई, ये देखो एक हमारा छपरी यूट्यूबर छपरी यूट्यूबर बोल रहा है। तो भाई इस मंदिर से निकल रहे हैं फाइनली यहाँ से, एंड ऐसा कुछ क्लाउडी वेदर हो गया, डार्क क्लाउड आ गए और बारिश का मौसम हो गया, बट थोड़ा शूट किया गया, कंटेंट शूट हुआ, आराम से चिल गया बंदों ने, तो थकान सबकी थकान उतर चुकी है ऑलमोस्ट, बस यहाँ से निकल रहे हैं। तो वहाँ पे मंदिर है, यहाँ से थोड़ा थोड़ा डाउन ट्रैक करके इधर आ गए हम लोग। इधर एक पानी का तालाब सा कुछ है, नो पीक है, कुछ बंदे इधर भाग गए हैं, कुछ बंदे आ रहे हैं, कुछ कन्फ्यूज ही जाएँ किधर, पर हम उनमें से बीच में बैठ गए आगे कि भाई वैसे वापस आ जाए फिर जाएंगे ऊपर। और जो व्यूज़ है ना भाई एक नंबर के, वो
ठंडा मौसम हो गया, ठंडी हवा चलनी स्टार्ट हो गई, तो जैकेट पहन ली फिर से। शांति बहुत है, आराम से जी दो एक बार। मैं नया एडवेंचर चल रहा है, मैं वहाँ से पूरा इस तरह से आया हूँ और रास्ता ऐसे ऐसे कर गया है, बंदे ऐसे जा रहे हैं, बट मेरा प्लान है ऐसे जाने का पूरा सीधे ऊपर तक। थकान ज़्यादा हो रही है ओबियस सी बात है, बट ऊपर चलते हैं, ऐसे ही जाना है। सुमित भाई ऊपर चले ऐसे? हाँ भाई चलना तो पड़ेगा। सुमित भाई को भूख लग रही है बढ़िया वाली, अब कस के भूख लग रही है। कितना कस के खा लेंगे भाई? 4-5 रोटी खा लेंगे और ज़्यादा 10-12 खा जाएंगे। चलो स्टार्ट करो। इस तरह का रास्ता है, तुम चलते हैं ऊपर, तो इस तरह चढ़ना पड़ेगा हमें। बादल उधर अच्छे आ रहे हैं, हम लोग उधर चले हैं। देखो बादल बोल रहे, तुम लोग जाओ मैं आता हूँ। देखो जैसा दिखाओ, उधर क्लाउडी बहुत, क्लाउड बहुत बढ़िया आ गए उधर। सांस चढ़ रहा है भाई, बोलेंगे जरा, अब थकान हो रही गंदी वाली, बट चढ़ना है तो चढ़ना है। निकेत भैया आ गए भाई, कैसी फोटो आ रही बिल्कुल, बंदा एवरेस्ट पे खड़ा हो। निकेत भाई कैसा लग रहा है? काफी अच्छा फील आ रहा है, और ये जो हम लोग जो कर रहे हैं ना, ये थोड़ा डिफरेंट है और यहाँ पे मज़ा भी आने वाला है। ये सबसे टॉप वाले व्यू पॉइंट पे हम चढ़ रहे हैं, अभी वो देख सकते हो, वो मंदिर का व्यू है, ठीक है, और अभी हम उसके एग्जैक्ट बराबर पे बैठे हैं, अभी इसके ऊपर जाने वाले हैं, काफ़ी ऊपर। तो भाई कुछ ऐसी हालत होती है ऊपर पहुँचने के बाद, हम गए हैं लेट, ऐसा कुछ है व्यू यहाँ का। भाई हिम्मत ही खराब, ये भी बैठा हुआ है और वो भी ऐसे बैठा सबके ऐसे। हम गए कितनी गंदी, बहुत आ गई है सबकी। अब लगी है भूख, अब भूख लग रही है गंदी वाली है, खाने की जगह कुछ है नहीं। अब मैंने भी ऐसे सिर रखा नीचे कि मैं लगा नीचे घास होगी, बहुत पत्थर था नीचे ये वाला, तो सिर लग गया मेरे। ब्लॉगिंग करने का नया तरीका। सो भाई देखो कैसे काले काले बादल आ गए पूरी तरह से, बस ये कि बारिश ना मिले वरना भीग जाएंगे। ठंड हो रही है बढ़िया वाली, एंड इधर बिल्कुल धूप निकली हुई है, ठंड हो रही बढ़िया वाली, काले बादल हैं। इनकी टी शर्ट देख लीजिए। निकेत भैया मजे ले रहे हैं पूरे पूरे, हम पिस्ता खिलाते हैं आपको, हम पिस्ता खिलाते हैं आपको। भाई बोल रहा कुछ नहीं है खाने के लिए, पिस्ते निकले हैं बैग से भाई के, गरम गरम ड्राई फ्रूट्स आ रहे हैं अभी। तो निकेत भाई कैसा मजा आ रहा है पहाड़ों का यार? ये व्यू, दिस इज समथिंग। दूसरे वाले बैग में रखा था सुबह हमने। और भाई देखो ऐसे करना होता है, ऐसे हमने दोनों बोतल खाली बैग के अंदर रख लिया, करके वर्थ था भाई, अभी भी बॉटल्स मत ले, फेंकना नहीं होता है यहां पे, जो भी अपने साथ लेके जाओ नीचे डस्टबिन में फेंको सीधे, सिंपल। तो भैया गंदगी नहीं फैलानी, बहुत ही साफ सुथरा है, हम ट्रैक करके, थोड़ा बहुत गोबर पड़ा हुआ है उसको इग्नोर करो, बट प्लास्टिक नहीं है यहाँ पे। गोबर तो भाई जानवर कर रहे हैं, वो तो यहाँ रहते हैं, क्या कर सकते हैं। घोड़े घूम रहे हैं कुछ तो उनका है, प्लास्टिक नहीं है, प्लास्टिक नहीं फेंकनी, मेन बात यह भाई। क्या बोलना चाहेंगे आप व्यूज के लिए? बहुत बढ़िया व्यू यार, और इतना डिफिकल्ट ट्रैक है नहीं, इतना वीडियो में देखा होगा, नॉर्मल सी यार चढ़ाई हो जाएगी, वो वीडियो में पता लग जाएगा, इतनी दिक्कत नहीं है। वो वीडियो भी है सेम ऐसे ही था। सो बंदे सारे ऊपर आ गए फिर से, अब नीचे आए लेने, सब बंदे ऊपर आ गए, वे बैठा हो सुमित भैया बिजी ऑन कॉल, लगी नहीं रही, नेटवर्क ही नहीं आ रहा, नेटवर्क ही नहीं आ रहा। लड़का भाग गया, लड़का भाग गया है। हेलो, नेटवर्क ही नहीं आ रहा, क्लाउड्स आ रहे भाई, क्लाउड्स नेक्स्ट लेवल। ये देखो भाई इधर पूरे ब्लू स्काई है, इधर कुछ नहीं दिख रहा। सो भाई फाइनली प्लान बन गया निकलने का, वापस नीचे जाने का प्लान बन चुका है। निको भैया जी को लोकेशन पसंद आई है, बहुत बढ़िया वाली मज़ेदार लोकेशन है, बहुत अच्छी लोकेशन है, और जो ऊपर आए हैं ना ये वाला जो पॉइंट है, इसके बाद भाई समझ में आया कि जो यहाँ का व्यू है वो किसी भी लोकेशन से कंपेयर नहीं करा जा सकता मेरे हिसाब से। तो भले लैंसडाउन हो, भले मुंशियारी भी गए, मुंशियारी गए, बट यार ये क्योंकि एक तरफ आप देखोगे तो उस साइड पूरा बादल बादल है, देखा है चल रहे बादल जो पूरे प्रॉपर दिख रहे हैं, नेकेड आई से दिख रहे हैं, चल रहे हैं, और ये कोहरा नहीं है, बादल है, और इस साइड देखो पूरे व्यू जो आ रहा है ये वाला पहाड़ वाला व्यू, तो ये बहुत डिफरेंट चीज़ है, बहुत प्यारा व्यू है। तो फाइनली डाउन ट्रैक स्टार्टेड, सब लोग निकल रहे हैं धीरे धीरे। कहाँ से आ गया
सन नंदी जी आ गए हैं सामने से। सुबह डाउन ट्रैक में तो मज़ा आ रहा है, थकान वाला सीन नहीं है कुछ भी, क्योंकि आराम से चला जा रहा है। एक एडवाइस दूँ तो अपने पास कुछ खाने पीने का रखना, क्योंकि ऊपर कुछ नहीं मिलता खाने पीने का, सो दैट विल बी गुड कि तुम्हारे खाने पीने का हो। और ट्रैकिंग के टाइम पे तुम हो सके तो सेंटर फेस वगैरह रखना मेरे पास, क्योंकि उससे मुँह चलता रहता है ना तो गला सूखता रहती है जल्दी, क्योंकि प्यास बहुत ज़्यादा लगती है। एंड ऊपर प्लास्टिक नहीं फेंकनी, वो ध्यान रखना चीज़ का। पूरे ट्रैक पे ना कहीं भी आपको प्लास्टिक नहीं दिखेगी यहाँ पे। सो फाइनल डाउन ट्रैक इज़ डन एंड ऑलमोस्ट 30 मिनट्स का राउंड टाइम लगाया, आधा घंटा मैक्सिमम, अगर तुम नॉन स्टॉप आते हो तो, बट साथ के बंदे रुक रुक के आ रहे थे। सो मैं जल्दी आ गया हूँ, मतलब अभी कहने का मतलब ये है, सेम बाइक्स खड़ी है अपनी, बाइक के पास आ चुके हैं, बट सबके आने के बाद ही निकल पाएंगे यहाँ से। सो लेट्स सी इस तरह का ट्रैक है, कुछ वहाँ से स्टार्ट होता है। लोग आने देते हैं क्योंकि हेलमेट सब किस तरह से लॉक्ड है, मेरा हेलमेट ही नीचे वाला है, हेलमेट खोलेंगे तब हम निकल पाएंगे यहाँ से। कुछ नहीं दिख रहा होगा, दिख ही नहीं रहा, बट पूरे क्लाउड्स आ रहे थे, कितनी तेज स्पीड में जा रहे हो, कुछ नहीं दिख रहा, कुछ भी आ गया, सब आ गए बाइकर्स।